हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू और आज की वीडियो होने वाली है IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के ऊपर। तो गाइज, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी द डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर टू टेक विद यू इफ यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था जिन्होंने मुझे बताया कि वी कैन अप्लाई फॉर इंटरनेशनल लाइसेंस फ्रॉम इंडिया इट्सेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करो। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो द मोमेंट आई रेड दैट कॉमेंट आई लिटरली रिसर्च्ड अबाउट इट और मैं मंडे को ही RTO ऑफिस गई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए। सो आई विल टेल यू द इंटायर प्रोसीजर कि मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया टू गेट दिस ड्राइविंग परमिट। तो गाइस, पहले तो दिखा देती हूँ कि ये आज ही आया है। इट लिटरली टुक 2 days टू गेट दिस। तो ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस गाइज, आपने जिस कंट्री का भी ये बनवाया है ये सिर्फ वहीं पे वैलिड होगा, प्लस इसकी वैलिडिटी 1 year की होती है। नाउ मैंने ये कैसे बनवाया, तो गाइज मैं RTO ऑफिस गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि आप तहसील में जाइए। तो मैं तहसील में गई तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट की फोटोकॉपी, आपके वीज़ा की फोटोकॉपी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और एक आपका ड्रेस प्रूफ विच कैन बी आधार कार्ड, प्लस आपके 4 photos चाहिए। अब उन्होंने मेरा एक फॉर्म फिल किया गाइज, जो कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आप वो फॉर्म अपने घर से भी फिल कर सकते हो। परिवहन की वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वेबसाइट को खोलो और उसमें आपको टॉप में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। उसमें आपको एक प्रॉपर फॉर्म मिल जाएगा गाइज, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो वो सारी डिटेल्स फिल की, उसमें वो आपका वीज़ा नंबर भी पूछेगा, आपका पासपोर्ट नंबर भी पूछेगा, तो वो सब डलेगा उसमें। उसके बाद आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया तो मैंने उसमें ऑस्ट्रेलिया डलवाया। जैसे ही आप वो फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद एंड में वो फीस मांगता है जो कि है 1000 rupees। तो वो पेमेंट हुई, पेमेंट होने के बाद मैंने उस फॉर्म का प्रिंट लिया। प्रिंट लेने के बाद मैं गई RTO ऑफिस, वहां से मैंने एक फाइल ली। मतलब फाइल हम लेते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट्स कहीं इधर उधर बिखरे ना, तो इट्स बेटर टू टेक अ फाइल। 10 rupees की फाइल आ जाती है, उसमें मैंने वो सारे फॉर्म्स लगाए। जैसे ही ये चीज होती है गाइज, उन्होंने मुझे ये चीज दी, ठीक है। अब इसके उन्होंने लिए 500 rupees, तो टोटल हो गए 1500 rupees। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे उनको सबमिट किया, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, तो जैसे वो ऐसे करके चेक कर रहे थे तो वीज़ा आया, तो उन्होंने वीज़ा देखा। तो देखने के बाद वो उन्होंने मुझसे पूछा कि वीज़ा कहाँ है, तो मैंने बोला वीज़ा ये लगा हुआ है। तो देवर लाइक पासपोर्ट पे नहीं आता क्या वीज़ा, तो मैंने उनको बोला कि ऑस्ट्रेलिया में पासपोर्ट पे नहीं आता, वो एयरपोर्ट पे जाके ही लगता है। तो उन्होंने अपने एक सीनियर को बुलाया और उनको दिखाया कि ये देखना, ये वीज़ा ही है क्या। तो उसके बाद उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि हाँ ये वीज़ा है। तो मेरे वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए और 4 photos लगनी है, ये देखो ये फोटोज आगे भी लगी हुई हैं ये फोटोज। तो वहाँ पे वो सबमिट हो गया और उन्होंने मुझे बोला कि 2 दिन में आ जाना और आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो गाइज मेरे मोबाइल पे भी इंटीमेशन आ गया था थ्रू SMS दैट पहले आया कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। उसके बाद अप्रूवल का मैसेज भी आया है और फिर आज हम लेने गए तो हमें उन्होंने ये स्टैम्पिंग करके दे दिया है। अब इसकी बात बताऊं तो गाइज ऑस्ट्रेलिया में तो ये वैलिड है, बहुत सारे कंट्रीज में वैलिड है, लेकिन अगर मैं बात करूं चाइना की तो चाइना में इसके बेसिस पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बनवाओगे इसके बेसिस पे, आप वहां पे जाके टेस्ट दोगे, उसे क्लियर करोगे, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा वहां पर। अब मैं बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ड्राइविंग है वो राइट हैंड साइड,
विच इज सिमिलर टू इंडियन ड्राइविंग स्टाइल. तो ये चीज वहां पे सिमिलर है और वहां पे आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे भी ड्राइव कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड दैट एवरी स्टेट हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. मेलबर्न में 6 महीने हैं, कहीं पर साल है, अलग अलग इनके रूल्स बनते रहते हैं. तो वहां पे क्या है कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट देयर रूल्स. गाइज, ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत हैवी पेनल्टी लगती है. चाहे अगर आप छोटा सा रूल भी तोड़ रहे हो ना, वहाँ पे उस चीज़ की बहुत हैवी पेनल्टी होती है. ये तो बनवा लिया, बट मेक श्योर जाते ही ड्राइविंग करने से पहले यू नो एवरीथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ ड्राइविंग, ठीक है? वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो येस गाइज, आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल. ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, बट आई गेस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. और अगर आपने लाइसेंस नहीं बनवाया तो बनवा लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन में बन के आ जाता है ये, ठीक है? और अगर कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ कर दिया करो यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है. और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.